वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल के बुक से। एक्सरसाइज है 12E, चैप्टर है GP, और GP में हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 4। कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ के का वैल्यू निकालना है फोर विच K+2, K-6 एंड 3 are in GP। तो K का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि K+12, K-6 एंड 3 are in GP। ये GP में दिया हुआ है और K का वैल्यू निकालना है। तो K का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं के का वैल्यू निकालने के लिए, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। हाँ, सेकेंड टर्म है हमारा K-6 बाय फर्स्ट टर्म है K+12, थर्ड टर्म है 3 और सेकेंड टर्म है K-6। अब यहाँ पर देखें तो हो जाएगा K-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × K+12। अब a-b का होल स्क्वायर की यदि बात करें तो a² - 2ab + b² इज इक्वल टू 3K+36। अब यहाँ पर k² - 12K+36 इज इक्वल टू 3K+36। 36 से 36 क्या हो गया, कट गया। अब बताइए k² - 12K - 3K = 0। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि k² - 15K = 0। k यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो k - 15 = 0। इसका मतलब k = 0 या तो k - 15 = 0। तो k का वैल्यू क्या हो गया, 15। के का वैल्यू 15। तो हम लोग लिखेंगे वी हैव टू वैल्यूज ऑफ के एज 0 और 15। ये अपना आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है कि 3 numbers are in AP। 3 नंबर जो लेना है वो AP में लेना है और उसका सम जो है वो 15 है, सम भी दिया हुआ है। उसके बाद इफ़ 1, 4 और 19 भी एडेड टू देम, उस नंबर में यदि ये 3 नंबर को जोड़ते हैं रिस्पेक्टिवली देन दे आर इन GP। वो नंबर यदि इसमें जोड़ते हैं 1, 4, 19 जो AP है तो वो बन जाता है GP में। तो आपको बोल रहा है कि आप नंबर बताइए। तो ये है सवाल। तो कोई बात नहीं, तो हम लोग 3 numbers in GP AP लेने जानते हैं, पिछला चैप्टर से पढ़ रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि 3 numbers are in AP। 3 numbers AP में लेते थे तो कैसे लेते थे, a-d a और a+d। आपको बताए थे, आप पिछला चैप्टर देख के ये करिएगा। तो अब इसका सम भी जो है ना, सम जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 15। ये देखिए सम दिया हुआ है 15, मतलब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। a-d जोड़िए और a+d इज इक्वल टू 15। -d + d क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 3a = 15, तो ये बराबर हो जाएगा 5। a का वैल्यू कितना निकल गया, 5। a का वैल्यू आ गया 5। यदि ए का वैल्यू 5 आ गया उसके बाद तब ये नंबर क्या हो जाता है, a-d तो हो जाएगा ये 5-d, ये मतलब 5 और a+d मतलब 5+d। ये तीनों नंबर इस तरह हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं कि इसमें से पहले में 1, दूसरा में 4 और तीसरा में 90 ऐड कर देते हैं तो वो GP में बन जाता है। देखिए 5-d पहला है, दूसरा है 5 और तीसरा है 5+d। अब सवाल के अनुसार कहता है कि पहले में आप 1 जोड़िए, पहला में क्या जोड़ दीजिए 1, दूसरे नंबर में आप जोड़ दीजिए 4 और तीसरे नंबर में आप जोड़ दीजिए 19।
ये तीसरे तीन नंबर यदि जोड़ देते हैं 1, 4 और 19, तो ये किस में बन जाता है, किस में जो बन जाएगा, आर इन हो जाता है जीपी में। सवाल बोल रहा है कि 1, 4, 19 यदि जोड़ दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीपी में। तो जीपी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 - d, 5 और 1 6, ये हो गया 9, और 9 और 5 5 और 19 24 प्लस डी, ये हो जाएगा आर इन जीपी, ये जीपी में आ जाएगा, है ना। और जीपी का रूल क्या है कि जीपी में हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म करते हैं ना। तो सेकेंड टर्म क्या है अपना, सेकेंड टर्म है 9 और 6 - d, थर्ड टर्म है 24 + d और सेकेंड टर्म है 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 24 + d और ये 6 - d इज इक्वल टू 9 * 81, है ना। इसको अब हल हम लोग करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो 24 को 6 से गुना करेंगे, 24 को 6 से गुना करेंगे, 6 * 24 2 * 6 = 12, 144, 144 -24d +6d इज इक्वल टू 81। तो 6d, ये तो गड़बड़ है, -d² यहाँ छूट गया, माइनस ये -d² इज इक्वल टू 81। तो ये हो गया 144 -18d, क्यों -24d + 6d -18d -d² यहाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 81। इन सबों को उधर ले जाते हैं दाहिने साइड, तो -d² उधर जाएगा तो +d, ये -18d उधर जाएगा तो +18d। यहाँ अब क्या है कि 81 पहले से प्रजेंट है यहाँ पे, और ये 144 इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d² + 18d, और इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 144 में 81 घटाएंगे तो 4 में 1 = 3, 14 में 8 = 6, -63 -63 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड के इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इसको इसको गुना करके बीच वाले को तोड़ते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे कि 21d - 3d, 21 में 3 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, और 61 = 63 हो जाता है ना। तो इसको हम लोग तोड़ लिए आसानी से। अब यहाँ से डी कॉमन निकाल लेंगे, तो d + 21 माइनस यहाँ 3 कॉमन, तो d + 21 इज इक्वल टू 0। तो d - 3 और d + 21 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि d - 3 इक्वल टू 0, तो d = 3, और d + 21 इक्वल टू 0, तो d का वैल्यू -21। d का दो वैल्यू आया, एक आया 3 और दूसरा आया -21। तो हम लोग लेते हैं एक बार टेकिंग, हम लोग को नंबर पूछा है ना, तो टेकिंग एक बार हम लोग ले लेते हैं, d इज इक्वल टू 3, तब क्या हो जाएगा नंबर्स। तो हम लोग का नंबर क्या क्या था, नंबर था 5 - d, 5 और 5 + d, यही ना था। तो 5 - 3, 5 और 5 + 3 मतलब 2, 5 और 8, ये है किस में, एपी में। एक आंसर ये होगा हम लोग का 2, 5, 8, एक आंसर ये होगा। और एक आंसर तब भी होगा जब यदि हम डी का वैल्यू क्या ले लेते हैं, -21, तब 5 - d, 5 और 5 + d, तो 5 - 21 यहाँ हो गया 5, और ये 5 + - 21 ये हो जाएगा 5, 21 5 + 21
यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 26, 5 और माइनस 16, दो आंसर। तो एक हो गया 2, 5, 8 और दूसरा हो गया 26, 5 माइनस 16। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सेम है। 3 नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 21। 3 नंबर एपी में लेना है लेकिन उसका सम दिया है 21। कहता है इफ द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1, सेकेंड नंबर में एक घटा दिया जाए और थर्ड नंबर में एक जोड़ दिया जाए, इंक्रीज्ड बाय 1, वी ऑब्टेन 3 नंबर्स इन जीपी। जो नंबर आएगा वो जीपी में आएगा, तो फाइंड द नंबर। सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला देखे थे। तो देखते हैं कि 3 नंबर्स आर इन एपी कैसे लेते हैं। 3 नंबर्स आर इन एपी कैसे लेते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और उसका सम दिया हुआ है। सम क्या दिया हुआ है, 21। 21 मतलब ए माइनस डी जोड़ ए और ए प्लस डी इज इक्वल टू 21। माइनस डी प्लस डी कट गया तो 3a इज इक्वल टू 21, तो ये इज इक्वल टू हो गया 7। ये इज इक्वल टू हमारा 7 हो गया, तो नंबर क्या हो जाएगा बोली, तो हो जाएगा 7 माइनस डी 7 और 7 प्लस डी, ये किस में, ये नंबर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 माइनस डी है 7 है और 7 प्लस डी है। क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1, सेकेंड नंबर में हम एक घटा दें, सेकेंड नंबर में एक घटा दें और थर्ड नंबर में एक जोड़ दें, थर्ड नंबर में एक जोड़ दें, तो जो नंबर आएगा वो किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा, ये सवाल बोलता है। तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस डी और साथ में एक चला गया 6 और 7 और 1 8 प्लस डी, ये किस में है, तो हो गया ये जीपी में क्वेश्चन के अनुसार। और जीपी का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, सेकेंड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड बाय सेकेंड, है ना। तो सेकेंड क्या है 6 और फर्स्ट क्या है 7 माइनस डी, थर्ड क्या है तो 8 प्लस डी और सेकेंड क्या है तो 6। 6 कितना हो गया 36 बराबर 8 प्लस डी और 7 माइनस डी। अब यहाँ पर यदि हम बात कर लें कि ये हो गया 36, 8 7 56 माइनस 8d प्लस 7d माइनस डी स्क्वायर, है ना, ऐसे हम लोग कर लें तब क्या हो जाएगा, ये माइनस में है इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा डी स्क्वायर। अब ये माइनस 8d इधर आ जाएगा तो प्लस डी, और यहाँ है 36 माइनस 56 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा ये डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20। 36 माइनस 56 माइनस 36 6 6 0 20 इज इक्वल टू 0। अब इससे हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे, ये सारा डी है ना। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 4d माइनस 20 इक्वल टू 0, है ना। 5 4 20 और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से d कॉमन निकालेंगे तो d प्लस 5 और यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा d प्लस 5। तो d का दो वैल्यू आया, एक d प्लस 5 और एक हो गया d माइनस 4 इक्वल टू 0। तो d प्लस 5 इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू माइनस 5 और d माइनस 4 इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 4। तो दो वैल्यू आ गया d का। अब नंबर्स क्या क्या था हमारा, देखिए नंबर्स था क्या क्या, एक था 7 माइनस डी, 7 माइनस डी था, दूसरा क्या था 6 और तीसरा था 8 प्लस डी, है ना। तब क्या हो जाएगा, वेन टेकिंग, हम तो कहेंगे कि टेकिंग डी इज इक्वल टू माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस माइनस 5, तो ये प्लस 5 हो जाएगा और ये 6 और ये हो जाएगा 8 माइनस 5, तो 12 6 और 8 में 5 3, 12 6 3 आंसर नहीं है,
डी का वैल्यू आया 4 और -5, तो 7 माइनस डी। ओहो अच्छा, हम लोग को नया नंबर में नहीं लेना है, पुराने नंबर में लेना होगा। क्या क्या नंबर था हमारा शुरू में? 7 माइनस डी, 7 और 7 प्लस डी में लेना होगा। तो 7 प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? 12, 7 और 2। 12, 7 और 2 ये एपी में है। किस में है? एपी में है। 5-5 का डिफरेंस है, तो एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा आंसर हो जाएगा कि टेकिंग डी इज इक्वल टू 4, तो 7 माइनस डी 7 और 7 प्लस डी, इसमें हम लोग ले लेंगे। क्या हो जाएगा कि 7 माइनस 4 7 और 7 प्लस 4 मतलब 3, 7 और 11, एक आंसर ये हो जाएगा।